आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो है कनाडा में फाइल लगी हुई है, चाहे वो स्टूडेंट पे हैं, चाहे वो स्पाउस केस हैं, मोस्टली स्पाउस केस के बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं कि सर हमें जो है रिजल्ट नहीं आ रहे, एम्बेसी हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ठीक है जी, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल वीजा अप्रोच के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करें जी स्टूडेंट्स का, मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो है नेक्स्ट इनटेक में डेफर करवा रहे हैं या मेल कर रहे हैं या वेब फॉर्म रेस कर रहे हैं, तो वो मेरी रिसेंटली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो बात करें आज स्पाउस केस के, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो स्पाउस केस के अगर बात करें जी, मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक 2022 जनवरी से मैंने पहले क्लियर किया सबको, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स हैं वो जल्द से जल्द आना शुरू हो चुके हैं हर केस को लेकर, चाहे वो स्टडी पे है, चाहे विजिटर वीजा पर है, पुराने नए नए पोर्टल वाले पुराने पोर्टल वाले सभी केसेस का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो चुका है। पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपके डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो अभी बात करें स्पाउस केस को लेकर, तो जी आपके रिजल्ट्स भी जल्द से जल्द आ रहे हैं। कुछ लोगों को रिक्वेस्ट आ रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके जैसे सेटिस्फाई नहीं है, या जिन लोगों की फाइल लगी है या लगाना चाहते हैं तो एक दो चेंजेस करके चलो, या फिर अगर आपको रिक्वेस्ट आ रही है कि हम सेटिस्फाई नहीं है या आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसमें दो तीन चीजें ऐड करके चलो, जिससे क्या है आपके जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे स्पाउस केस के स्पेशली। ठीक है जी, अगर आपकी वाइफ उधर है, ठीक है जी, आपके हस्बैंड वहां पे हैं, यहाँ पे इंडिया में या जो कंट्री में भी आप लोग बैठे हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है जी, सबसे पहले तो आप अपनी अगर मैरिज आपकी अच्छे तरीके से, मतलब पैलेस वगैरह में या आपकी अच्छी एक मैरिज हुई, एक तो नॉर्मली कई लोगों की होती है रिंग सेरेमनी, ठीक है जी, चाहे वो है और चाहे किसी की अच्छे तरीके से मैरिज हुई है, उस चीज की फोटोज, बहुत सारी फोटोज नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो 40-40, 50-50 फोटोज अपनी फाइल में लगा रहे, नहीं आप 10 फोटो दोगे उस पे भी वो सेटिस्फाई है, अगर आप 50 फोटो देते हो नहीं सेटिस्फाई तो नहीं कुछ होगा। आपको क्या करनी, अपनी 5-10 फोटोज देनी है, ठीक है जी, जो जिसमें आप हर कोई, जैसे कि आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है जी, जिसमें आप दोनों हो, आपकी जो घर पे जो मैरिज पे जो फंक्शन होते हैं उसमें जो आपके रिलीजियस, ठीक है जी, उन चीजों की फोटोज आप डाल सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो चैट्स हैं, आप अगर मैरिज से पहले बात करते थे या मैरिज के बाद की जो अब की चैट्स है रिसेंटली, ठीक है जी, जैसे आपका जो पार्टनर है वो कनाडा में है ऑलरेडी, आपकी उनसे कल बात हुई या परसों बात हुई, उन चीजों की चैट्स हो गई, आपकी फोटोज हो गई, आपकी कॉल्स हो गई, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड आप अपना डाल सकते हो। इसके अलावा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो है इंडिया में, अगर आपकी मैरिज वैलिड जो है, ठीक है जी, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपने गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो है अपने अप्लाई किया था, तो वो एक बेस्ट पार्ट रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक फोटोज डाल रहे हैं, ठीक है जी, अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की मैरिज सिख टेंपल में हुई है तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ भी ये लोगों ने मैरिज यहाँ पे की है, और आगे जो है गवर्नमेंट के लिए जो है आप आगे अप्लाई नहीं करते हो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं बोलता है, तो ये चीजें मत करो। आप अपनी चैट्स भी लगाओ, अपनी फोन कॉल्स भी लगाओ, अपनी पिक्चर जो है वो लगाओ। अगर आप मैरिज के बाद, जैसे अगर 10-15 दिन आपके पार्टनर को टाइम था जाने में कनाडा के लिए, कनाडा जाने में आपके मैरिज के बाद टाइम था, अगर आप कहीं पे विजिट किए हो, कहीं पे घूमने गए थे, तो वो पिक्चर्स भी आप अपनी उसमें शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो है कॉल हिस्ट्री होगी वो आप शेयर कर सकते हो, और इसके अलावा जो है मैरिज का आपका लाइसेंस या मैरिज सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, ठीक है जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपके पास है तो एक बेस्ट पार्ट रहेगा भी आप उसको फाइल में लगाओ, जिससे क्या आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रिक्वायरमेंट आपको की जाती है, जितना मेरे ध्यान में था मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको आती है, ठीक है जी, तो आप मेरे को भी कमेंट करके बता सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज को मैं भी अपडेट करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में पता लगे कि हाँ भी मेरे किसी बंदे को इस चीज की रिक्वेस्ट आई थी, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स भी एक्स्ट्रा अगर कोई होता है तो रेडी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको कुछ नई अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।